नमस्कार दोस्तों, सुजला वायरल में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के चलते हुए राशन डीलर की दुकान पे राशन बिका, उस राशन से बकरियों को खिलाने से बकरियों की हुई मौत। इस मामले में प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की और अनाउंसमेंट करवा के पूरे वार्ड नंबर एक में यह सर्कुलर जारी किया कि जिसने भी राशन की दुकान से राशन लिया है वह उसका उपयोग ना करे। मौके पर सुमन चौधरी और प्रशासन ने इस पर संज्ञान लिया और इसकी तहकीकात कर रहे हैं और एहतियातन तौर पे इसे गेहूं को काम न लेने की अनाउंसमेंट भी पूरे गांव में हो रही है। आपको यह खबर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से मिली होगी। इस खबर की हम पुष्टि कर रहे हैं इस वीडियो में। यह वीडियो आप देख रहे हैं, प्रशासन का जो टेम्पो है उस पर स्पीकर लगा के अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है वार्ड नंबर एक में कि जिसने भी राशन की दुकान जो ट्रैक्टर से राशन वितरण किया जा रहा था उससे गेहूं लिया है, कृपया उसका इस्तेमाल ना करें, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की आशंका है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें और अवेयरनेस क्रिएट करें, सब में जागरूकता क्रिएट करें। तो सूचित किया जाता है कि राशन डीलर की दुकान से जो राशन लिया गया है गेहूं, उसका उपयोग नहीं करें। सूचित किया जाता है कि आज राशन डीलर से जो आपने खाद्य सामग्री ली है गेहूं, उसका उपयोग ना करें, उसमें किसी प्रकार की कमी के कारण उस गेहूं का उपयोग ना करें।